गाइज़ गुड मॉर्निंग गाइज़, आज शादी का दूसरा दिन है और आज जो है वो बारात जाएगी। सबसे पहले बैंड बाजे वाले आ गए हैं, उनकी पूजा करेंगे बैंड बाजे की, उसके बाद की सारी रस्में उसके बाद होंगी। और जो मेहंदी और हल्दी थी वो पिछले कल हो गई थी, तो उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखना। और अभी मैं आपको बैंड बाजे की जो पूजा होगी वो दिखाती हूँ, उसके बाद सारी रस्में दिखाऊँगी। यहाँ पे पंडित जी बैंड बाजे की पूजा करवा रहे हैं और इसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है बजात्रा, जिसमें पूजा करने के बाद भैया जो है इस ढोल को 3 बार मारेंगे और उसके बाद जो है वो जो बैंड बाजे वाले होते हैं वो आरती गा के बैंड बाजे बजाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भैया जी की हेयर कटिंग चल रही है और साथ में बैठे हैं दीदी। तो यहाँ पे एक हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है कि जब हेयर कटिंग होती है तो जो बाल होते हैं दूल्हे के वो बहन की गोद में डाले जाते हैं और बहन को नेक दिया जाता है। और यहाँ पे भैया को फिर से बटना लग रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है भैया ने नहाना है, तो पहले फिर से बटना लगाया जाएगा थोड़ा सा और उसके बाद दूल्हे को जो है वो फिर से नहलाया जाता है। और यहाँ पे फिर से सेम वैसे ही मम्मी जी ने दही डाला, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देखना। और फिर से यहाँ पे भैया भी नहाएंगे और उससे पहले जो है यहाँ पे जो मामा जी होते हैं वो पानी भरवाते हैं, तो जो हमारी ये सुहागन लेडीज़ होती हैं जो जिन्हें स्वर्ण बनाया जाता है, तो वो पानी भर के लाती हैं और दूल्हे के पैरों के पास उसको फेंका जाता है। पता नहीं और पानी भरने के बाद फिर से प्राश्वी ने यहाँ पे भैया जी की पूजा की। और पूजा करने के बाद जो मेन यहाँ पे है हमारा लोकल और पारंपरिक नृत्य, वो है जमाकड़ा। तो यहाँ पे लेडीज जो हैं वो जमाकड़ा कर रही हैं। जमाकड़ा होने के बाद यहाँ पे जो भैया हैं वो कपड़े पहनेंगे और इसे बोला जाता है परसाई। परसाई मतलब जो मामा जी कपड़े देते हैं दूल्हे को,
तो उसे जब वो पहनते हैं, सब रिचुअल जो होते हैं उसे परसाई बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे भैया जो है कपड़े पहन के तैयार हो गए हैं और साथ में हमारी दीदियाँ भी हैं। तो अगर बहनों की साइड से कपड़े मिलते हैं तो उसे हमारे यहाँ बोला जाता है बगा। तो इस तरह से हमारे जो ट्रेडिशन है ये लोकल लैंग्वेज में, जिन्हें पता होगा वो जानते होंगे कि क्या क्या बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे सहरा बांधा जाएगा और सहरा जो है हमारे यहाँ मामा की तरफ से आता है। तो यहाँ पे जो हमारे चाचा जी हैं उन्होंने भैया को सहरा दिया था और ये हमारे ओवर एक्साइटेड भैया। अब कहाँ जाओगे? अभी मैं बाहर जाऊंगी। फिर बारी आ जाती है दूल्हे का मेकअप करने की। तो दूल्हे के मेकअप के लिए कोई पार्लर वाला हायर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो भाभी होती है वो देवर की मेकअप करती है। तो मेकअप तो एक आजकल का ट्रेंड है, फैशन है, बट जो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है वो ये है कि जो दूल्हे की भाभी होती है वो दूल्हे को काजल लगाती है और ये एक शगुन माना जाता है। और बदले में जो है वो भाभी को देवर की तरफ से नेक दिया जाता है। काजल लगाने के बाद हमने भैया को टीका लगाया और इसे हम बोलते हैं तुमोड़ लगाना। जो दूल्हे को बाहर जो है वो सभी जो रिश्तेदार होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, वो भी इस तरह से तुमोड़ लगाते हैं और हार वगैरह पहनाए जाते हैं। और यहाँ पे जो अब हो रही है वो है दूध पिलाने की रस्म। तो जो माँ होती है वो अपने बेटे को दूध पिलाती है और ये लड़का या लड़की दोनों की शादी में होता है। लड़की में जब विदाई होती है तो उस टाइम पे ये दूध पिलाया जाता है। दूध पिलाने के बाद यहाँ पे मम्मी जी और पापा जी ने भैया को टीका लगाया और उसके बाद जो है वो हार पहनाया। और फिर जब बारात जाती है उससे पहले जो है वो आरती की जाती है। तो यहाँ पे मम्मी जी भैया की आरती कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी जी नज़र उतार रहे हैं सबकी, क्योंकि हमारे घर के लड़के इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि कहीं उनको लड़की वाले नज़र ना लगा दें। और जो शादी में हम लोगों को ज़्यादा जरूरी है अब बाकी कुछ ही ना, ये भी अभी शादी शुदा होने वाले हैं, ये वाले देवर जी ये भी अब शादी शुदा की कैटेगरी में आ जाएंगे। और यहाँ पे होगी अब बारात जाने की तैयारी। तो हमारे जेठ जी यहाँ पे पटारी ले जाते हुए और देवर जी वेट करते हुए कि कब दूल्हा आएगा। हमारे यहाँ दूल्हे को मामा जी जो हैं वो दूल्हे को डोली तक या गाड़ी तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दूल्हे के मामा जी जो हैं वो दूल्हे को उठा के ही ले गए और गाड़ी तक पहुँचा दिया।
रख दे नारियल। रुको पड़ गई सो गाइज़, इस एपिसोड में इतना ही। और हम तो बारात में नहीं गए, बट मेरे हस्बैंड ने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई हुई है वहाँ लड़की वालों के यहाँ की, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर डालूँगी। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो बट कमेंट नहीं करते, तो हमें पता नहीं चलता कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।